सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट ये है कि एयरफोर्स ने एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 15 दिसंबर दी है, यानी कि आप 15 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और जिसकी लास्ट डेट 12 जनवरी 2018 दी है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस बार एयरफोर्स ने कुछ बदलाव किए हैं। इस बार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ जोड़ सकते हैं। और इस बार आपको एप्लीकेशन फीस भी भरनी होगी, जिसमें आपको 250 रुपये देने होंगे। तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें एज लिमिट के बारे में बता दें, आपका जन्म 13 जनवरी 1998 और 2 जून 2002 के बीच में हुआ होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर एक्स ग्रुप के बारे में बात करें तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है और मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। वहीं वाई ग्रुप में भी 12th पास होना ज़रूरी है और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स भी होना चाहिए। तो चलिए अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको रिटिन एग्ज़ाम देना होगा, जिसका रिजल्ट आपको उसी दिन दिया जाएगा। अगर आप रिटिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको PET यानी फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट दे सकोगे। PET क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना होगा। इन सब के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जो फैसला करेगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। इसमें रिटिन एग्ज़ाम से पहले एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जो आपके 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि लिस्ट कितने मार्क्स पर बनेगी, लेकिन पिछले साल को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट लिस्ट 80% मार्क्स के आसपास लगने वाली है, यानी कि आपके 12th में 80% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप रिटिन एग्ज़ाम दे सकोगे। अब इसके रिटिन एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। एक्स ग्रुप में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स होंगे, जो 10+2 बेस्ड होंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा। और वाई ग्रुप में इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस होगी, ये भी 10+2 बेस्ड ही होंगी, जिसके लिए आपको 45 मिनट दी जाएंगी। इसके बाद आपको PET यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें केवल रनिंग है, जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ लगानी होगी, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है। आप ऑनलाइन फॉर्म sarkaririzult.com या फिर एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट airmanselection.cadet.in से भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं।